विदिशा जिले के गंजबासुदा में नशे के कारोबार को लेकर पुलिस विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने आज शुगर बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने नार्कोटेक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने उसके दो साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। मंगलवार की शाम 5 बजे कोतवाली से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें SDOP भारत भूषण शर्मा ने बताया कि शहर के युवाओं को ब्राउन शुगर बेचने वाले गमासर निवासी रवि रघुवंशी को 5 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। SDOP भारत भूषण शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले गिरफ्त में आए संजीव रघुवंशी निवासी रिटरी को नशे के पदार्थ बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था। उससे की गई पूछताछ में रवि रघुवंशी का नाम सामने आया है, जिसे कोतवाली और देहात थाने की पुलिस ने मिलकर गमाखर गांव की धर्मशाला में बनी यज्ञशाला के पास गिरफ्तार किया है। गंज बासुता से मुख्य चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी ADG श्री उपेन्द्र जैन साहब, DIG श्री संजय तिवारी जी, SP श्री विनायक वर्मा जी, एडिशनल SP श्री साहू जी के निर्देशन में पूरे जिले में ये संपूर्ण कार्रवाई नशा विरोधियों के विरुद्ध चल रही है, जिसके तहत शहर बासुदा में गत दिवस हनी मिश्रा, सपना विश्वकर्मा इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात दीपक रघुवंशी को भी ब्राउन शुगर में गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात महिला सख्त कार्रवाई करने के लिए जो टीम बनाई गई थी, TI देहात, TI बासुदा शहर, इनके द्वारा टीम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, गत रात्रि को रवि रघुवंशी निवासी गमाघर को यज्ञशाला के पास में पकड़ा गया, जिसकी तलाशी ली गई, जिसके आधिपत्य से ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ मिला और जिसको लेकर उसका तोल किया गया। थाने में कार्रवाई की गई तो 5.3 GM उसकी मात्रा थी और कीमत उसकी 60,000 से 70,000 रुपए थी। ये उसके आधिपत्य से ब्राउन शुगर जब्त हुआ, जिसमें 8/20 नार्कोटिक्स एक्ट के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया है। सर, ड्रग्स की बात करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।